महिंद्रा थार आइकॉनिक सिंस बॉर्न, जब से यह गाड़ी बनी है तब से लेके शहरों से लेके गांवों तक इसने हर किसी के दिल पे राज किया। हे व्यूअर्स, आर यू आल्सो अ थार लवर? यदि आप भी थार लवर हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं थार की फुल हिस्ट्री और उसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को कवर करूंगा। तो चलिए इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। आगे बढ़ने से पहले अपने भाई के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आपको तो थार की हिस्ट्री के बारे में पता ही होगा, क्या नहीं पता है? अच्छा, उसके स्टार्टिंग के बारे में ये भी नहीं पता है, उसके चेंजेस के बारे में, और थर्ड करंट मॉडल जो थार की आई है उसके स्पेसिफिकेशन और कमिंग मॉडल्स और उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। अच्छा, ये सब चीज़ें आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में मैं इन चारों टॉपिक को फुल डिटेल से कवर करने वाला हूं। तो लेट्स गो, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अगर थार की हिस्ट्री की बात करूं तो थार को 2 अक्टूबर 1945 में एस्टेब्लिश किया गया था एज ए स्टील कंपनी, नॉट एज ए ऑटोमोबाइल कंपनी, एज ए स्टील कंपनी लुधियाना में। और तब इसका नाम हुआ करता था मोहम्मद एंड महिंद्रा, नॉट महिंद्रा एंड महिंद्रा, मोहम्मद एंड महिंद्रा तब इसका नाम हुआ करता था। इसे तीन लोगों के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें कि सबसे पहला नाम आता है एक इंडियन कैलाश चंद्र महिंद्रा का, और दूसरे इनके भाई जगदीश चंद्र महिंद्रा, और तीसरे इन दोनों के दोस्त मलिक गुलाम मोहम्मद, जो कि भारत के आज़ाद होने के बाद यह पाकिस्तान चले गए थे। और फिर तब इस कंपनी का नाम हुआ करता था मोहम्मद एंड मोहम्मद। देयर आफ्टर 15 अगस्त 1945 को जब इमाइग्रेशन शुरू हुआ तो ये पाकिस्तान चले गए, और ये वहाँ के पहले फाइनेंस मिनिस्टर और जनरल गवर्नर भी बने, और इनका नाम था मलिक गुलाम मोहम्मद। फिर इसके इनके जाने के बाद इस कंपनी 1948 में इसका नाम मोहम्मद एंड महिंद्रा से बदल के महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया गया, क्योंकि अब इसमें सिर्फ इसके दो ही ऑनर बचे थे, कैलाश महिंद्रा और दूसरे इनके भाई जगदीश चंद्र महिंद्रा। 1948 में फिर से अब इसका नाम पड़ गया महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि पहले मोहम्मद एंड महिंद्रा हुआ करता था। और महिंद्रा थार का लोगो दिखता है कुछ ऐसा, ये चीज़ तो आप लोगों को पता ही होगा। और अगर हम अभी के करंट कंडीशन की बात करें तो हमारे करंट महिंद्रा के चेयरमैन है, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन है आनंद महिंद्रा, जिन्होंने महिंद्रा को एक नई बुलंदी पर पहुंचाया है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए अपने भाई के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला पॉइंट तो हमने कवर कर लिया, हिस्ट्री ऑफ थार। और अब अगर हम दूसरी पॉइंट की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी तो बन गई, लेकिन इसकी 1947 का वक्त था और तब वर्ल्ड वॉर चल रही थी, और उस समय अमेरिका की एक जीप जिसका नाम था विली जीप, इसने बहुत ही अच्छा खासा भूमिका निभाया और लोगों के ध्यान को आकर्षित किया, और इससे इंस्पायर्ड होकर बनी हमारी महिंद्रा थार, विच इज रियली आइकॉनिक सिंस बॉर्न। जब से यह बनी है तब से इसने मार्केट में धूम मचा कर रख दिया है, और इसकी इसी डिमांड को देखते हुए बनाई गई CJ3A, जिसका फुल फॉर्म होता है सिविलियन जीप, जो कि थार की सबसे पहली मॉडल थी जो कि कुछ ऐसी दिखती थी। और फिर उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस लाए गए, और 1953 में फर्स्ट टाइम इसमें चेन लाया गया, और इसमें शामिल किया गया हरिकन इंजन को, जो कि बहुत ही रग कंडीशन में गांवों में खेतों में चलने के लिए बहुत ही कारगर थी, और इसमें ना कोई डोर थी और इसकी विंडशील्ड भी फोल्ड हो सकती थी। देयर आफ्टर इन 1985 MM540 मॉडल की एक महिंद्रा थार लॉन्च हुई, जिसमें और अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसके स्पेसिफिकेशन में सबसे पहली बात आती है कि यह 2112 सीसी का इसमें डीजल इंजन हुआ करता था, इसकी सीटिंग कैपेसिटी टोटल 60 लीटर का फ्यूल टैंक, और ये एक SUV बॉडी टाइप मटेरियल थे, SUV मीन स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल। और फिर इसके बाद वक्त आता है हमारी आर्मी का, तो 1995 में सबसे पहले आर्मी के लिए कुछ इस तरह से दिखने वाली महिंद्रा थार को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके इंट्रोडक्शन के बाद तो मानो इसने भारत में अपना राज ही शुरू कर दिया, क्योंकि यह लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती थी, और यह यूथ के ड्रीम्स में भी आने लगी थी, और उनका एक ड्रीम बन गई थी कि भाई थार तो अचीव करना ही है। और फिर वक्त आया 1996 का, जब सबसे पहले महिंद्रा ने अपने क्लासिक वेरिएंट को उतारा, और यह इतनी कारगर थी, इसमें हरिकन इंजन तो थे ही, इसके साथ साथ ये बहुत ही रग कंडीशन गांव में रेगिस्तानों में पत्थरों पे हर जगह चलने के लिए यह बहुत ही पावरफुल व्हीकल थी। और इसके अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यह भी एक डीजल इंजन थी, और यह मैक्सिमम 65 BHP का तब टॉर्क जनरेट किया करती थी, और इसकी प्राइस लगभग 3-4 लाख के बीच में आती थी, और यह एक 4 सीटर कार थी। अब तक हमने थार की हिस्ट्री और उसके स्टार्टिंग के बारे में देखा, लेकिन अब हम देखेंगे थार की चेंजिंग के बारे में, जो कि तीसरा पॉइंट है हमारे इस वीडियो का। तो चेंजिंग की बात करें तो अब एक नए जनरेशन के थार को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत थी, और अब महिंद्रा ने इसका नाम महिंद्रा थार से बदल के सिर्फ थार कर दिया, और जो कि इसे फेवर में रही, और अब ये बहुत सारे कलर और डिज़ाइन वेरियंट्स में आने लगी, जो कि पहले सिर्फ ग्रीन कलर में आया,
अब भाई थार मार्केट में बहुत सारे लोगों का रिटेंशन गेन कर रही थी, तो इसके साथ ही आया इसका कॉम्पिटिटर, और इसके कॉम्पिटिटर का नाम था मारुति जिप्सी, और इसने महिंद्रा थार को एक अच्छी खासी टक्कर दी। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी इसके पास बेनिफिट ये थी कि यह एक पेट्रोल इंजन हुआ करती थी, वहीं अगर महिंद्रा थार की बात करें तो यह डीजल इंजन हुआ करती थी। लेकिन यह भी ज़्यादा दिन महिंद्रा थार के सामने टिक नहीं पाई और फिर से बादशाह बन के निकला अपना महिंद्रा थार, और फिर मारुति जिप्सी और महिंद्रा थार को बहुत बड़े स्केल पर खरीदा जाने लगा। लेकिन जैसा कि आपको पता ही है, बादशाह बन के निकली अपनी महिंद्रा थार, जबकि मारुति जिप्सी के पास एक एडवांटेज भी थी क्योंकि यह तब एक पेट्रोल इंजन हुआ करता था और पेट्रोल बहुत ही सस्ता था उस समय में। और फाइनली हम इन दोनों के टाइप्स और इसके कंपैरिजन की बात करें, इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो ये दोनों की बॉडी एसयूवी थी। एक 16 किलोमीटर पर लीटर पे माइलेज देती थी, तो एक 63 बीएचपी का टॉर्क जनरेट कर सकती थी, तो एक 80 का। और ये दोनों जो थी, इसकी एक की इंजन 2500 सीसी की, तो दूसरे की इंजन लगभग 1300 सीसी की हुआ करती थी। फिर फाइनली आई 2015 में मोस्ट इम्प्रूव्ड थार, और इस थार में ज़्यादा कुछ नहीं बट रोड सेफ्टी और ऑफ रोड्स के लिए इसे बहुत ही बेहतर बनाया गया। इसे बेहतर बनाए जाने के साथ साथ इसमें न्यू स्टीयरिंग लॉक सिस्टम, इसके सीट के क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया, इसमें कप होल्डर भी दिया गया, और इसके साथ साथ एक न्यू जनरेशन की न्यू एसी भी इसमें डाली गई, और इसमें टोटल 3 स्पीड और इंडिकेटर्स हुआ करते थे, और इसके साथ ही ये लोगों के दिल में छा गई। फिर मार्केट में आई हमारी आज की थार 2019 की थार 700 सीसी, और यह पहले हर थार से बेहतर थी और इसकी कीमत भी लगभग 10 लाख हुआ करती थी। और अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें लगभग 2500 सीसी का डीजल इंजन, और इसकी पावर लगभग 105 बीएचपी की हुआ करती थी, जिसमें कि 3800 राउंड पर मिनट इसकी कैपेसिटी थी, और इसका टॉर्क 2047 एनएम का टॉर्क जनरेट कर सकती थी, और यह लगभग 13 से 14 किलोमीटर पर लीटर का ये माइलेज दिया करती थी। अब तक हमने देखा थार की हिस्ट्री के बारे में, उसके स्टार्टिंग के बारे में, और फाइनली उसमें आए चेंजेस के बारे में। तो ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हो सके तो भाई शेयर भी कर दो टू ऑल माय थार लवर्स। और बात करते हैं इसके फोर्थ पॉइंट के बारे में, करंट कंडीशन। तो करंट कंडीशन क्या है थार के मॉडल में? तो करंटली अगर हम बात करें तो लगभग थार 2020 में अपना एक नया मॉडल लॉन्च की गई है थार के द्वारा, और ये न्यू थार पहले के हर थार से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें हार्ड कन्वर्टेबल टॉप दिया गया है, जिसे कि आप कुछ यूं ऊपर से खोल के नीचे लगा सकते हो, और फुल ओपन रूफ के साथ यह चलेगी। इसे आप इस वीडियो में देख ही सकते हो कैसे अनजिप किया, अनलॉक किया, फिर उसे हटा दिया गया, और यह पूरी तरह से ओपन अप। मुझे तो बहुत पसंद है, आपको भी पसंद है तो कमेंट में बताना ना भूलें इसमें। और अगर हम इसके लेटेस्ट डिजाइन और फीचर्स की बात करें तो इसमें ट्रांसमिशन ऑटो और मैनुअल दोनों मोड दिया गया है। पहले में सिर्फ मैनुअल आया करता था, लेकिन इसमें ऑटो और यह पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में, और इसमें मोस्ट पावरफुल एमहॉक इंजन का यूज किया गया है, और इसमें टोटल 6, और इसके साथ साथ इसमें मोस्ट एडवांस आज की पीढ़ी की डिजिटल स्क्रीन भी दिया गया है, जो कि वेरियस वर्ष में काम आती है, विथ न्यू लेदर सीट्स विथ 4 सीटिंग कैपेसिटी। और इसके साथ साथ इसमें सेफ्टी के फीचर्स का भी इसमें बहुत बेहतर ध्यान रखा गया है। इसमें 2 एयर बैग्स दिए गए हैं, और ये पूरी तरह से सेफ है विथ न्यू स्टीयरिंग। थार को कहाँ, जब स्टार्टिंग में यह बनी थी तो इसे रफ एंड टफ कंडीशन के लिए बनाया गया था, इसे यूज किया जाता था, लेकिन वक्त बदलाव बदलते वक्त के साथ अब थार गांव से उठ के शहरों में भी चलने लगी है, और इसके साथ साथ इसने बहुत सारे अर्बन बायर को अपने तरफ अट्रैक्ट किया, और इसके अवसर में भी बहुत अच्छी डिमांड है क्योंकि ये गाड़ी एडवेंचर लवर्स को बहुत पसंद आती है ड्यू टू इट्स फीचर। इसमें हर वो फीचर है जो कि एक एडवेंचर लवर को चाहिए होता है, और अब यह गाड़ी गांव से उठ के रग एंड टफ कंडीशन से उठ के शहर के सड़कों पे भी आपको नजर आई जाएगी क्योंकि इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। और इसके साथ साथ इसका एक कॉम्पिटिटर भी मार्केट में आ ही चुका है, जिसका नाम है मारुति जिमी, और यह भी बहुत बेहतर देखने में है, और लेकिन बदलते वक्त के साथ अब हम बात करेंगे फ्यूचर की, कि फ्यूचर में कैसा थार आने वाला है, इसकी फ्यूचर मॉडल कैसे होने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले अपने भाई के वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं अब तक, तो एक बार लाइक जरूर कर दें। तो चलिए बात करते हैं फ्यूचर मॉडल ऑफ थार। अगर हम थार के अपकमिंग मॉडल्स की बात करें तो अब तक हमने ओपन रूफ भी देख लिया, मोस्ट एडवांस एसी भी देख लिया, लेकिन अब वक्त के साथ इसे एक फैमिलियर कार बनाने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें अब 5 डोर लॉन्च किए जाएंगे, और यह लगभग 2023 तक मार्केट को हिट कर जाएगी, 2023 तक इसकी मार्केट में आने में संभावना है। और इसमें 2.2 लीटर का एमऑफ डीजल इंजन का यूज किया गया है, और 2 लीटर का स्टर्लिंग पेट्रोल इंजन का, और इसमें ई स्पीड मैनुअल्स होंगे, और इसके साथ साथ इसमें ऑटो स्पीड मैनुअल्स का ट्रांसमिशन भी दिया गया है। इसके साथ साथ इसकी कीमत लगभग 16 से 17 लाख तक रखी गई है, और इसे फैमिली कार बनाया गया है विथ इट्स मोस्ट स्पेसियस, क्योंकि इसमें 5 डोर होने वाला है तो स्पेस भी बड़ा होगा। तो हे व्यूअर्स, थार लवर्स, तो कैसा लगा ये वीडियो? इस वीडियो में मैंने आपको
फुल थायर की हिस्ट्री, उसके स्टार्टिंग, उसके चेंज के बारे में बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को शेयर करें, कि आपका हर शेयर और लाइक मुझे मोटिवेट करता है।